वेलकम टू ऑल। बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने के बाद आज से हम फंक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने कंप्लीट आइडिया डिस्कस करने के बजाय केवल उतना ही डिस्कस किया जितना हमको फिजिक्स में जरूरत थी, वैसे ही फंक्शन में हम केवल फंक्शन के उसी एस्पेक्ट की बात करेंगे जैसा कि हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। फंक्शन के बारे में डिटेल में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। यहां फिजिक्स में जो भी डिस्क्रिप्शन फंक्शन का है उसको आप कंप्लीट ना माने, वो बड़ा इनिशियल आइडिया है। फंक्शन का सबसे पहले आइडिया रेने डिकार्टिस ने कॉइन किया था। द आइडिया ऑफ फंक्शन वॉज डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी फर्स्ट टाइम रेने डिकार्टिस इन हिज बुक ज्योमेट्री यूज द कंसेप्ट टू डिस्क्राइब मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। मतलब रेने डिकार्टिस ने सबसे पहले अपनी बुक ज्योमेट्री में इस कंसेप्ट को यूज किया था डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब उन्होंने एक जनरल नाम, डिफरेंट मैथमेटिक्स रिलेशन को एक जनरल नाम दे दिया होगा फंक्शन। हालांकि फंक्शन नाम नहीं दिया था, बट ये आइडिया उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हो सकता है, हम कर सकते हैं। एंड द टर्म फंक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई गॉटफ्राई लेबनिस ऑलमोस्ट 50 ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ बुक ज्योमेट्री। आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा आइडिया फंक्शन रेने डिकार्टिस ने उस आइडिया को कॉइन किया उसके लगभग 50 ईयर्स बाद गॉटफ्राई लेबनिस ने उसको एक नाम दिया फंक्शन। आप सोच सकते हैं कि एट दैट टाइम दीज आइडियाज के डेवलप होने की प्रोग्रेस रेट क्या थी। 50 ईयर में एक नाम आया है, अभी आइडिया का नाम है, आइडिया क्या है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जिन कंसेप्ट को हम आज 1 साल 2 साल में समझना चाहते हैं उनके डेवलपमेंट की हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट रेने डिकार्टिस के लाइफ के बारे में थोड़ा सा कहीं से पढ़ें। उनके बारे में पढ़ने पर आपको फिजिकल साइंस के बारे में कैसे सोचा जाए, कितनी फंडामेंटल थॉट रहती है, होनी चाहिए, वो आपको सीखने को मिलेगा। लेबनिस ने इस आइडिया को नाम दिया फंक्शन। एंड उसके बाद द आइडिया ऑफ फंक्शन वॉज फर्दर फॉर्मलाइज्ड बाई लेनार्ड ऑयलर हु इंट्रोड्यूस द नोटेशन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए फंक्शन के नाम के बाद ये नोटेशन देना ये ऑयलर ने किया। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक आइडिया डिकार्टिस के टाइम आया, लेबनिस ने उसको नाम दिया और ऑयलर ने इसको मैथमेटिकल नोटेशंस दिया। आप आगे चल के देखेंगे मैथमेटिक्स में नोटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली मैथमेटिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम बड़े बड़े आइडियाज को नोटेशंस की फॉर्म में बहुत छोटे से सिंबल्स में लिख लेते हैं। तो ये जो ऑयलर ने आइडिया दिया वाई इज इक्वल एफ एक्स नोटेशन वॉज ए ग्रेट आइडिया। आफ्टर दैट हम फंक्शन में बहुत जाए एंटर करें उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स को हमें सीखना होगा। आपने प्लेन नाम सुना होगा, एंड हाउ कैन वी डिफाइन प्लेन? ए प्लेन इज ए मैथमेटिकल और फिजिकल सरफेस विच हैज नो कर्वेचर एनीवेयर। मतलब प्लेन एक मैथमेटिकल या इमेजिनरी सरफेस हो सकती है या कोई फिजिकल रियली एग्जिस्टिंग सरफेस हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई कर्वेचर नहीं है, मतलब कहीं से वो मुड़ी नहीं है, तो उसको हम प्लेन बोलेंगे। अब इसमें कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स के एक्सियम्स हैं या इनको हम एक आइडिया ले सकते हैं। एनी थ्री पॉइंट्स ऑलवेज लाई इन ए प्लेन, सो ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल और ऑलवेज कोप्लेनर। अब देखिए जैसे एक फंडामेंटल एक्सियम है मैथमेटिक्स की, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, वैसे ही तीन पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। इस बात को समझना, इसको डिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये एक नेचर में फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन, यू कैन टेक इट एज ए ग्रांटेड। एंड इसी को अगर आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो आप सोच सकते हैं टू कॉन्करेंट लाइंस मस्ट बी कोप्लेनर।
दो कॉन्करेंट लाइन को प्लेनर होती है। अब आप सोच सकते हैं ये फंक्शन से पहले हम ये आइडियाज क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली वी रिप्रेजेंट फंक्शन इन टू वेज, एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, या उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, रियल मीनिंग क्या होगा वो, और फंक्शन को डिस्क्राइब करने का एक और तरीका है उसका ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी, एंड उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम प्लेन एंड ये लाइन कोप्लेनर होगी। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कोप्लेनर होंगी, और प्लेन क्या है ये आइडिया समझना बहुत जरूरी है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम सुना होगा, एंड वी डिस्कस दिस टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे तो थ्री डायमेंशनल भी होता है, बट सिंपलिसिटी के लिए अभी हम केवल टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट लाइंस दैट डिवाइड देयर प्लेन इन टू फोर पार्ट्स। अब देखिए ये अपने आप में सेंटेंस सोचने वाली बात है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट लाइंस, अगर ये लाइन कॉन्करेंट है तो ये एक ही प्लेन में होंगी, इसलिए आगे लिखा है दैट डिवाइड देयर प्लेन, मतलब जिस प्लेन में लाइन है उस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। हाउ इट इज, सी दिस, अब देखिए यहां पे ये लाइन और ये लाइन, ये पूरे प्लेन को ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये चार पार्ट में डिवाइड कर रही है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड द फोर पार्ट्स ऑफ द प्लेन आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। अब देखिए बात हुई, इन लाइंस को हम बोलेंगे एक्सिस, ये दिखा दिया यहां पे लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, इनको हमने नाम दिया एक्सिस, एंड इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन, और ये जो पार्ट्स हैं इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इनको नंबर देते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में इंफॉर्मेशन के तौर, जब हमने सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी तो एज ए इंफॉर्मेशन इस बात को लिया था, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आइडिया हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मिला। अभी इसके बारे में कुछ और सीखते हैं। वन ऑफ द एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा एंड द अदर एज ऑर्डिनेट। अब देखिए आपको अपने माइंड से कंफ्यूजन निकालना पड़ेगा कि ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड दिस एक्सिस कॉल्ड एब्सिसा। इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी आप सबने पढ़ी होगी, बट मैं आज इसको इतना याद क्यों दिला रहा हूं, बिकॉज व्हेन वी डिस्क्राइब अबाउट फंक्शन की मैथमेटिकल आइडिया लेंगे, हम केवल दो ही वेरिएबल लेंगे, वाई और एक्स। तो वाई को जनरली इस पर डिनोट कर देंगे और एक्स को इस पर, तो उस टाइम इसको वाई एक्सिस और एक्सिस बोल देंगे। लेकिन हमेशा ये एक्स और वाई दो ही वेरिएबल नहीं होंगे फिजिक्स में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस या फिजिकल फिनोमिना जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ सकते हैं। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ ये ड्रॉ किए होंगे। एक्सटी ग्राफ में अगर देखें तो यहां पर आप एक्स लेते थे, यहां टी लेते थे, तो आप क्या इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई, वी कॉल इट, इसको फिर बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे टी एक्सिस। ऐसे वीटी ग्राफ में यहां पर वी रिप्रेजेंट करते थे, यहां पर टी, तो उस टाइम इसको कौन सी एक्सिस बोलेंगे, वेलोसिटी एक्सिस, इसको कौन सी एक्सिस बोलेंगे, टाइम एक्सिस। अब डिपेंडिंग ऑन विच वेरिएबल यू आर रिप्रेजेंटिंग, हम एक्सिस के नाम बदल सकते हैं। तो इनका एक जनरल नाम भी होगा, वो जनरल नाम क्या है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। इफ यू रिप्रेजेंट ए वेरिएबल एक्स ऑन द एब्सिसा एंड ए वेरिएबल वाई ऑन द ऑर्डिनेट, दीज एक्सिस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये हम अभी फंक्शन को समझने के लिए एक जनरल आइडिया ले लेंगे। तो हम हमेशा एक्स वाई में बात करेंगे, तो एक एक्सिस को एक्स बोलने लग जाएंगे, एक वाई, बट हमेशा ध्यान रहे कि ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इनका जनरल नाम नहीं है, इनमें और भी वेरिएबल रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने जब इसको एक्स लिया, इस एक्सिस को, इस पर एक्स रिप्रेजेंट किया तो इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको y रिप्रेजेंट किया इसको y एक्सिस बोल दिया। मान लीजिए इस पर हम कोई और वेरिएबल रिप्रेजेंट करें, से z, इसको z एक्सिस बोल देंगे। ऐसे ही जिस एक्सिस पे जो वेरिएबल रिप्रेजेंट होता है कई बार या अक्सर, हम बाद में उस एक्सिस को उस वेरिएबल के नाम से ही जानने लगते हैं।
द प्लेन रिप्रेजेंट बाई दीज एक्सिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। अभी जो प्लेन हुआ इसको भी नाम दे देंगे एक्स वाई प्लेन। क्यों? इसमें एक एक्सिस एक्स है और दूसरी एक्सिस वाई। अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद थोड़ा आगे बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक टर्म आता है कोऑर्डिनेट, यू आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दैट, आप जानते हैं उसको, लेकिन उसको एक्चुअली डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार आप इन्हीं को रिप्रेजेंट करने में गलती करेंगे। कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन कैन यूनिकली बी रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। नाउ वी कैन शो लाइक दैट। अब देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई, यहां पर हमने पॉइंट ले लिया, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए एक्स वाई। ये ऑर्डर्ड पेयर, हम एक्स को पहले लिखेंगे वाई को बाद में, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाई। एक्स इसकी डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये एक्स मतलब यहां से डिस्टेंस जो होगी वो उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये आपका देखो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इस बात को पहचाने, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस एंड वाई कोऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। दस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ओ इज द ऑर्डर्ड पेयर 0, 0। अब इसको बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों ओरिजिन की तो वो एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है, तो इसकी दोनों एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0। द टर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ड्यू टू मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर रेने डेकार्टिस। अगेन ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम रेने डेकार्टिस के नाम पर पड़ा, and you can again see his image, his photograph, so whenever you see, मैं चाहता हूँ उनको recognize करें, because these persons have done a great job to our life. अब जो हमने सीखा उन चीजों को एक बार apply करके देख लें, let us consider example 1. Refer the given figure and find coordinates of the points A and B. And here is the figure. अब देखिए ये XY coordinate system पर एक point A show किया है, दूसरा point B. A x-axis से 60 degree का angle बनाते हुए 10 centimeter दूर है. ऐसे point B x-axis positive direction से 143 का angle बनाते हुए 10 centimeter दूर है origin से. Now how we calculate the coordinates. अब अगेन डेफिनेशन रिकॉल करें, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इनको फाइंड करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा ए का, तो ए से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उस परपेंडिकुलर के जो लेंथ होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ऐसे ही ए का अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो ए का वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहां एक और बात इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंस की है, वो ये कि व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ये एक्सिस किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, ये एक्सिस एक्चुअली नंबर लाइंस है, दे कैन रिप्रेजेंट ओनली प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट। सो व्हेन वी राइट कोऑर्डिनेट्स, हम कोऑर्डिनेट्स के साथ यूनिट नहीं देंगे, वो यूनिट डिपेंडिंग ऑन स्केल, जो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो स्केल यूज किया है उस स्केल में हम मल्टीप्लाई करके जिस यूनिट में क्वांटिटी है उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए फर्स्ट एंड देन वी सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए डायग्राम को हम एक बार दोबारा बना लें। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको डिनोट दिया हमने एक्स से। अब इसके लिए आपको क्या करेंगे, ध्यान आ गया होगा
इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए ए से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दिस वे। अब इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा। ये टोटल एंगल 90 था, 60 माइनस हुआ 30 आया। सो व्हाट यू कैन राइट फर्दर, दिस इज ओ ए साइन 30 डिग्री एंड ओ ए इज 10 यूनिट्स एंड साइन 30 हाफ, सो व्हाट यू गेट 5। सो हियर वी डोंट राइट हियर 5 सेंटीमीटर, वी से ओनली 5 और इट मींस 5 यूनिट ऑफ एक्स। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको डिनोट करने के लिए हम ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दिस। अब इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, तो आप ट्राइंगल ओ ए एंड दिस फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर इस राइट ट्राइंगल में इसको हम लिख सकते हैं दिस साइड इंटू साइन 60, ओ ए साइन 60। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 10 इंटू साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, सो व्हाट इज 5 रूट 3। तो आप इस कह सकते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या हुई, 5, 5√3। ऐसे बी के दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट बी फाइंड करने के लिए बी से अगेन वाई एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दिस वे। और हमें इस एंगल की जरूरत होगी, टोटल एंगल 140 था, यहां से 90 माइनस किया, व्हाट यू गेट 53। सो वी कैन से व्हाट इज दिस लेंथ, ओ बी साइन 53, बट यू कैन सी माइनस बिकॉज ये निगेटिव एक्स में है, माइनस ओ बी साइन 53। सो लेंथ निकालने के तो आप ओ बी साइन 53 लेंगे, लेकिन आपको देखना है वो पॉइंट एक्सिस के किस तरफ है, निगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम उस पर एक साइन लगा देंगे। माइनस 10 टू साइन 53, 4/5। यू कैन अगेन रिकॉल 3, 4, 5 ट्राइंगल, मैं वो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको विजुलाइज नहीं कराऊंगा ऑन स्क्रीन, आप माइंड में विजुलाइज करिए 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल। 4 के सामने का एंगल 53 होगा और 3 के सामने का 37, तो यू कहें 53 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है 4 एंड हाइपोटेन्यूस क्या है 5, तो व्हाट विल बी साइन 53, 4/5। सो वी पुट द वैल्यू हियर 4/5। नाउ 4/5 के बाद आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट -8। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो इसके लिए हमने yb सिंबल दिया और इसके लिए हमने परपेंडिकुलर b से x एक्सिस पे ड्रॉप किया, यू कैन सी द परपेंडिकुलर हियर। अब ये एंगल 30 से हम बचा क्योंकि 143 180 में से माइनस करेंगे 53 आएगा, सॉरी 37 आएगा। एंड अब यहां सीधे ले सकते हैं क्या होगा, ओ ए साइन 37 एंड ये पॉजिटिव ही होगा, सॉरी इट इज ओ बी साइन 37 बिकॉज दिस पॉइंट इज बी। सो व्हाट वी हैव हियर, 10 इंटू 3/5 एंड हियर यू विल गेट 6। सो यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स नाउ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स बाई डेफिनेशन 5, 5√3 and coordinates of B by definition -8, 6. So that was a very simple example. But here, इस example का purpose, एक तो आप ये trigonometry की calculation आपके दिमाग में आए और दूसरा x coordinate का मतलब आपके पास clear हो, it is distance from the y axis with sine and what is y coordinate, distance from the x axis with sine. ये sine अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे और पॉजिटिव साइड होगा तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। आगे इस एग्जांपल के बाद हम थोड़ा आगे बात करें फंक्शन, अब हम फंक्शन की बात करते हैं। वी कैन डिस्क्राइब ए फिजिकल प्रोसेस इन वर्ड्स बट इट इज नाइदर प्रिसाइज नॉर कॉन्साइज हाउएवर लार्ज द डिस्क्रिप्शन इज। आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि स्टोरी टाइप लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यह बात क्या है कि आप कितना भी बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दें वो न तो प्रिसाइज होगा और न कॉन्साइज। प्रिसाइज मीन्स बहुत एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, कॉन्साइज मीन्स आप ज्यादा एक्यूरेसी करना चाहेंगे ज्यादा बड़ा होता जाएगा। सपोज आप कोई पार्टिकल एक पॉइंट से चलना शुरू किया, मैं रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल लूंगा एंड सपोज उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो आप उसको कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन से अगर आपसे पूछें टी इज इक्वल टू 5/3 सेकेंड पर पार्टिकल कहां होगा, तो आपको स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, कोई और टाइम ले लें फिर मल्टीप्लाई करना होगा, कोई और टाइम ले फिर मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप सारे टाइम पर वेलोसिटी पोजीशन बताना चाहें
तो आपका डिस्क्रिप्शन इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर इसको एक सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी टी, हियर डेल्टा एक्स इज मीन्स डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू वेलोसिटी टू इंटू टाइम, तो आप देखिए एक सिंपल इक्वेशन में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, मीन्स नाउ इट बिकेम प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट भी है एंड कॉन्साइज, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो आप देखिए जो मैथमेटिकल नोटेशंस में हमने रिलेशनशिप को लिख दिया तो प्रिसाइज हुआ और कॉन्साइज हुआ, तो वर्ड्स में हम फिजिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हमें मैथमेटिक्स उसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, और यही आइडिया आया फंक्शन का। ए प्रिसाइज एंड कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिजिकल प्रोसेस कैन बी गिवन बाई राइटिंग ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ए डिजायर्ड पैरामीटर ऑफ द प्रोसेस एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस कंट्रोलिंग द डिजायर्ड पैरामीटर। अब देखिए क्या होगा, किसी प्रोसेस में कई पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे जो एग्जाम्पल लिया उसमें हमारे पास दो ही पैरामीटर, तीन पैरामीटर थे, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। अब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसको हम पैरामीटर नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट है, तो हमारे पास पैरामीटर कितने बचे, केवल एक्स और टी। अब एक्स को टी कंट्रोल कर रहा है, और जितना ज्यादा टी होगा डिपेंडिंग ऑन टी एक्स की वैल्यू बदल जाएगी, तो हम x और t में जो ये दो पैरामीटर हुए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन लिख लेंगे, हम इसमें x को t की टर्म में डिस्क्राइब करेंगे, x इक्वल टू वी टी, x इक्वल टू वेलोसिटी हमने 2 लिया था तो x इक्वल टू 2t लिख दिया। यह हमने अज्यूम कर लिया फंडामेंटली कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 से चला था, इसलिए x इक्वल टू 2t लिख दिया। यह मतलब हुआ कि किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन प्रोसेस को लिखने के लिए उसमें कई पैरामीटर होंगे, तो उसमें वो पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें फाइंड करना है, जो हमें मालूम नहीं, अननोन पैरामीटर, उसको हम जो नोन पैरामीटर्स होंगे उनके टर्म्स में एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेंगे या मैथमेटिकल रिलेशन लिख लेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा हम करते हैं। ड्यूरिंग ए फिजिकल प्रोसेस इट्स डिफरेंट पैरामीटर्स में आइदर बी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स, thus each parameter defined by a physical quantity may either be a variable or a constant. For generalization, we assume them variables. अब देखिए क्या है, वही बात जो अभी की जो example लिया उसमें velocity एक constant ले लिया था हमने, हो सकता है किसी problem velocity variable भी हो, तो जो different parameters हैं उन parameters में से जो process होगा उसमें से कुछ constant होंगे और कुछ variables होंगे, तो हमें relation किसके बीच में ढूंढना है, वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन उनमें उन कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम जिन पैरामीटर्स में रिलेशन ढूंढना चाहेंगे उन पैरामीटर्स को हम वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल, वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हैं, हो सकता है कंटिन्यूअसली वेरी करें, हो सकता है डिस्क्रीट फॉर्म में वेरी करें, अब कंटिन्यूअस डिस्क्रीट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन वेरी मतलब वो बार बार चेंज हो रहे हैं, वो कांस्टेंट नहीं, अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है। Does a function describing a physical process expresses an unknown variable, physical quantity of the process in terms of all other variable physical quantities that are known and on which the unknown quantity depends? अब देखिए फिजिक्स के perspective से हम function किसको बोलेंगे, वही है हमारे लिए function एक mathematical relation है जिसके से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस, वो कोई फिनोमेना हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, उसमें ऐसा और कोई अननोन वेरिएबल जो होगा जो हमें पता करना है, वो जिन जिन पैरामीटर्स, जिन जिन अदर वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है या जो उसको कंट्रोल करते हैं उनकी टर्म लिख लेंगे। अब जो उसको कंट्रोल करते हैं उनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, अगर हमें अननोन कैलकुलेट करना है इसमें हम उसको बोलते हैं नोन वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास अगर एक ही इक्वेशन से या एक ही फंक्शन से पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास एक अननोन होना चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन से आप एक अननोन निकाल सकते हैं और बाकी सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, नोन। या अगर आपके पास दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन या दो मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखनी होंगी, ये बहुत कॉमन सा आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर पी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी ऑफ द गैस एस। अब देखिए ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया, ये अब लोअर क्लासेस पढ़ाए हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी।
अब उस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं क्या डिस्क्राइब करने के, प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपको एन, टी और वी मालूम होना चाहिए। एन इसलिए कि हो सकता है उस गैस का अमाउंट भी बदले हम। अगर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस है तो एन कॉन्स्टेंट हो गया, तो केवल टी और वी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर गैस का अमाउंट भी एक्स वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो हमें एन, वी और टी तीन नॉन वेरिएबल चाहिए, तब पी अननोन कैलकुलेट होगा। सो हाउ वी कैन राइट इट, पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। हियर आर एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता, ये तो हर प्रोसेस के लिए सेम है। इसलिए ये एक क्वांटिटी आई, बट इट इज नॉट ए पैरामीटर इन विच वी आर डिस्क्राइबिंग पी। हियर पी इज द अननोन वेरिएबल, वेर इज एन, टी, वी आर नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज। यहां पे पी अननोन है जिसको हमको कैलकुलेट करना है, और पी कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू किसके सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन, टी और वी, वो डिफरेंट स्टेजेस पे इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और आर इन सब की वैल्यू कुछ भी हो कांस्टेंट है, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वेरिएबल नहीं है। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आप जानते हैं। तो अब देखिए यहां हमने एक एग्जांपल फंक्शन कर लिया, हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। समटाइम्स वी सी ए मैथमेटिकल रिलेशन डिस्क्राइबिंग ए फिजिकल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहां हमारे पास कितने वेरिएबल थे, पी, एन, टी और वी, चार वेरिएबल। लेकिन कभी कभी दो ही वेरिएबल से काम हो जाता है, जैसे अभी हमने रेक्टल मोशन एक्स इज इक्वल टू टू टी या वी टी वाला एग्जाम्पल लिया। अगर वी कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास वेरिएबल कौन से हुए, एक्स और टी। तो अक्सर दो वेरिएबल वाले फंक्शन भी होंगे और वो समझने में सबसे सिंपल होंगे। तो फंक्शन के बारे में फर्दर आइडिया डेवलप करने के लिए हम इन टू वेरिएबल्स के फंक्शंस का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर टू वेरिएबल फंक्शन के एग्जांपल की बात करें, पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन बाय। अब देखिए मैं कांस्टेंट वेलोसिटी बजाय किस में आ गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको इक्वेशन ध्यान होगी ut + 1/2 at स्क्वायर, x = ut + 1/2 at स्क्वायर। हियर पोजीशन x इज द अननोन वेरिएबल, अननोन क्यों, इसे हमें कैलकुलेट करना है, एंड टाइम t इज द नोन वेरिएबल क्वांटिटी, वेयर इज इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट्स। तो अगर इसमें देखें वेरिएबल क्या है, x और t, किसी भी पार्टिकल चल रहा है, अगर हमने बोल दिया कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो एक बार डिसाइड होगी ना। अब तो अब उसने चलना शुरू कर दिया, उसके बाद तो इनिशियल वेलोसिटी u तो नहीं बदल सकती ना, और a कांस्टेंट है, तो u और a तो प्री डिसाइडेड है। तो इसमें वेरिएबल कौन से हुए, केवल x और t। तो ये एक तरह से टू वेरिएबल फंक्शन हुआ। अब ये एग्जांपल के बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये नाम आपने सुने होंगे। अब फंक्शन में हमने दो टाइप के वेरिएबल देखे, नोन एंड अननोन। अब जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम नोन वेरिएबल के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो आपका अननोन वेरिएबल है वो नोन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। तो जो नोन वेरिएबल्स हैं उनको हम क्लास देंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। द नोन वेरिएबल्स क्वांटिटी आर कॉल्ड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेयर इज द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बात बिल्कुल क्लियर है और ये जानते भी हैं। जिन क्वांटिटीज की वैल्यू रखते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू हम नोन है तभी तो वैल्यू रखेंगे, तो जो नोन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करें उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। यह मैथमेटिकल डिपेंडेंस की बात है, यह फिजिकल डिपेंडेंस की बात नहीं है। अब इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, इसमें आप देखें कौन कौन से इंडिपेंडेंट कौन कौन से डिपेंडेंट है। हियर पी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, वेर इज एन, टी एंड वी आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें, तो यहां पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और इंडिपेंडेंट होगा t। हियर x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, वेर इज t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने बात की डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, फंक्शन की बात की, उसमें देखा फंक्शन मल्टी वेरिएबल हो सकता है और टू वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल मीन्स
एक अननोन क्वांटिटी हम कई सारे नॉन क्वांटिटीज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, जैसे PV इज इक्वल टू nRT बाई V। और ऐसा भी हो सकता है कि एक अननोन क्वांटिटी केवल एक ही नॉन क्वांटिटीज की हेल्प से कैलकुलेट किया जाए, जैसे x इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो दोनों टाइप फंक्शन हो सकते हैं। अब जनरल नोटेशन में फंक्शन की बात करें, जो ऑयलर ने काम किया था y इक्वल टू f ऑफ x, इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करें। उससे पहले जिसे मल्टीवेरिएबल और टू वेरिएबल की बात हुई, उनको एक बार वापस डिफाइन कर लें। मल्टीवेरिएबल मींस इन ए मल्टीवेरिएबल फंक्शन वन डिपेंडेंट अननोन वेरिएबल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन डिपेंडेंट नोन वेरिएबल्स। एक अननोन को हम एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल के टर्म में डिस्क्राइब करेंगे, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे मल्टी वेरिएबल। इफ एन अननोन वेरिएबल से जेड इज ए फंक्शन ऑफ टू नोन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जनरल नोटेशन। जो ऑयलर ने आईडिया दिया, वहां तो आपने वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देखा, तो वहां पर एक्स और वाई इक्वल दो ही वेरिएबल थे, एक्स वॉज देयर इनडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई वॉज डिपेंडेंट। यही कहें x was known and y was unknown। लेकिन अगर मल्टी वेरिएबल हो तो PV is equal to nRT की वजह हम जनरलाइज नोटेशन लें। मान लो हमने कहा कोई वेरिएबल है z जो अननोन है, और वो दो अलग वेरिएबल्स x और y की हेल्प से कैलकुलेट करना है, x और y नोन है या इनडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस नोटेशन में हम होगा z is equal to f of x and y। एंड इसको बोलेंगे कि जैसे मैं बोला z is equal to f of x and y, read it as z is equal to f of x and y, इसको f of x and y बोलेंगे। Here f represents the mathematical relationship। ये बड़ा important idea है। x और y में हम क्या mathematics करेंगे, उनको कैसे relate करेंगे, वो सारी story एक symbol f से depend कर दी। तो एक तरह से जनरल नोटेशन हो गया, हम y is equal z is equal f of x and y लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम दो अननोन वेरिएबल पर तीसरा डिपेंड करेगा, ऐसे सारे फंक्शन का हमने जनरल नोटेशन लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन p इन टर्म्स ऑफ n t एंड v इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टी वेरिएबल फंक्शन एंड हाउ वी कैन राइट इट इन जनरल नोटेशन। इट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू f n t v, क्योंकि n पर डिपेंड करता है, t पर डिपेंड करता है और v पे। ये मल्टी वेरिएबल मींस p तीन वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तो अगर तीन होगा तो n t v। ऐसे मान लो z x और y पे डिपेंड कर रहा था, मान लो z x y और एक वेरिएबल t पे और डिपेंड करता होता, तो यहां पे एक कॉमा लगा के आगे t और लिख देते। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे इसको हमने क्या रीड किया था, रीड इट एज z इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y। तो यहां इसको रीड करेंगे p इज इक्वल टू f ऑफ n t एंड v। आप देख सकते हैं रीड इट एज p इज इक्वल टू f ऑफ n t एंड v। हियर f रिप्रेजेंट्स द मैथमेटिकल ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसको एक एनिमेटेड इक्वेशन से समझते हैं। अब f ऑफ n t एंड v इसको हमने ऐसा बोल दिया दिस। अब r एक कांस्टेंट है तो आएगा। अब मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना और एक से डिवाइड करना है, और किस जगह कौन सा आएगा, वी कैन सी दिस। तो ये जो पूरी ऑपरेशन है, ये इस पूरी ऑपरेशन को एफ डिनोट करता है। लेट अस सी अगेन ये दिस इक्वल टू, अब देखिए ये एक यहां पे अब अकॉर्डिंग इक्वेशन एन और टी दोनों में से कोई आगे पीछे लिख दें, और यहां क्या वी, तो ये जो पूरा ऑपरेशन है वो इसको एफ सिंबल ने डिनोट कर दिया दिस वी। तो ये एफ सिंबल बेसिकली हमने जो मेथड डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल्स होंगी ऑपरेशन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल नोट कर लिया। तो हम इन सिंबल्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि अब हमें फंक्शन के बारे में कोई बात करनी है तो हमें कोई एक एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, हमें एक जनरल नोटेशन की बात कर लें। टू वेरिएबल फंक्शन के बारे में कुछ करना है डिस्कस, तो f इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू f ऑफ x ले लिया। या मल्टी वेरिएबल की बात करनी है तो हमने ऐसा जनरल टर्म में बात कर ली, तो उसमें हम एक तरह से सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक जनरल बात कर सकते हैं। तो यहां बड़ी इंपॉर्टेंस है इन नोटेशंस की।
नोटेशंस के बाद हम टू वेरिएबल फंक्शन की बात करें। टू वेरिएबल फंक्शंस का नोटेशन क्या होगा? अब देखिए, जब हम फंक्शंस के नोटेशन जनरल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों टाइप फंक्शन डिस्कस किए, मल्टी वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल का कैसे? अननोन वेरिएबल एक तरफ, इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट में सारे नॉन वेरिएबल्स या सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने रख दिए। ठीक, अगर ऐसे टू वेरिएबल होगा तो उसके लिए क्या होगा? अननोन वेरिएबल इज इक्वल टू एफ ऑफ नॉन वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू एफ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमने इंडिपेंडेंट को वाई ले लिया एक्स और डिपेंडेंट को वाई, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और वही बात यहां देखें, इन ए टू वेरिएबल फंक्शन वन डिपेंडेंट अननोन वेरिएबल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट और नॉन वेरिएबल्स। अभी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वर्ड्स में आप कभी कंफ्यूज मत हो। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसकी वैल्यू हम रख रहे हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा मैथमेटिकली, और डिपेंड मीन्स वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर मैथमेटिकली डिपेंड कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ एन अननोन वेरिएबल से वाई इज ए फंक्शन ऑफ ए नॉन वेरिएबल एक्स, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जनरल नोटेशन एज y is equal to f of x, and what we read it, y is equal to f of x, जैसा मल्टी वेरिएबल में हमने किया था। अब देखो f क्या है, x किस तरह से क्या क्या मैथमेटिक्स x पर होगी और उससे y मिलेगा, उस पूरी मैथमेटिक्स को f x नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है कि हम इस नोटेशन में इन जनरल सारे फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज एक्सप्रेस इन जनरल नोटेशन एज एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस कैसा है, सपोज हमने कहा ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन है, वेलोसिटी टू है, तो एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अगर ये कॉन्स्टेंट एक्सलेशन मोशन है तो जैसा इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रीड इट एज एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी जैसे पहले था ऐसे पढ़ लिया। अब यहां f जो है t पर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे और x मिलेगा, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंबल है। अब एग्जांपल के लिए हम ले लें, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन व्हाट इज f t का मतलब क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब f का मतलब है t को हमने u से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें हाफ ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एड किया, इतना जो काम था उसको हमने एक सिंबल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। टू वेरिएबल फंक्शन इज द सिंपलेस्ट वन एज वेल एज मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय देम, देयरफॉर वी विल यूज दिस फॉर्म ऑफ फंक्शन एज ए सैंपल टू डिस्कस मोर अबाउट देम। मतलब जो बात अभी हम कहते उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। जो टू वेरिएबल फंक्शन है ये मल्टी वेरिएबल से सिंपल है, क्योंकि सारे फंक्शंस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी, टू वेरिएबल्स की। एक एडवांटेज और, ऑलमोस्ट मैक्सिमम फिजिकल प्रोसेस हैं वो टू वेरिएबल फंक्शंस में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इसीलिए हम फंक्शंस के बारे में आगे और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए हम टू वेरिएबल फंक्शन को एज ए सैंपल यूज करेंगे, यही एग्जाम्पल लेके बार बार डेवलप करेंगे हम जो भी आइडिया फंक्शन के बारे में डेवलप करना है। अब जो हमने सीखा उसको एक एग्जाम्पल में रिवाइज करने की कोशिश करें। ए फंक्शन हैज अ फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन एंड एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू 11, फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हाउ वी सॉल्व इट। अब देखिए बहुत सिंपल आइडिया है, एक बार एक्स अगर टू रखें तो जो f ऑफ x की वैल्यू 1 एक क्वेश्चन वहां से मिलेगी, फिर x को माइनस थ्री रख के जो वैल्यू आएगी उसको हम 11 के इक्वल कर दें, यू विल गेट टू इक्वेशंस। एंड हमारे पास इस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर देखें तो केवल दो ही इन्होंने a और b, अगर a और b की वैल्यू मिल जाए तो ये फंक्शन कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। सो व्हाट वी डू, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 2 जगह 1 रखना, रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में
एक्स जगह टू रख दिया तो वन इज इक्वल टू ए इंटू टू प्लस बी। सो हम इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर वन। अब जो सेकंड कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू इलेवन, उसको यूज कर लें। एलएचएस में हमने इलेवन रखा, आरएचएस में एक्स जगह माइनस थ्री ये रख दिया। अब इसको माइनस थ्री ए प्लस बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो व्हाट यू कैन राइट हियर, माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू इलेवन, वी हैव इक्वेशन टू। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशन यू कैन इजिली फाइंड व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव ए इज इक्वल टू माइनस टू एंड बी इज इक्वल टू फाइव। अब ये वैल्यू जो गिवन एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन है उसमें रख दें तो फंक्शन पूरा एक्सप्लोर हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव। अब देखिए आप सोच सकते हैं व्हाई वी आर डूइंग सच सिंपल एग्जाम्पल। बेसिकली ये सिंपल एग्जाम्पल नहीं है, ये जो फंक्शन का नोटेशन है इस चीज को आपको समझना है, ये नोटेशन हमने क्यों किया। बिकॉज आगे जैसे हम जितनी मैथमेटिक्स सीखेंगे उसमें आप पाएंगे सारा गेम नोटेशंस का है। अभी आगे हम कैलकुलस की बात करेंगे तो कैलकुलस में एक बहुत लंबी लंबी मैथमेटिकल प्रोसेसेस को हम सिंपल नोटेशन दे देंगे। तो आप देखिए नोटेशन से क्या हुआ, हमें बार बार उस प्रोसेस को याद दिलाने के लिए, उस कैलकुलेशन के मेथड को याद दिलाने के लिए पूरी स्टोरी नहीं बोलनी पड़ी, केवल नोटेशन। जैसे हम आपस में अपने नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं नाम। अगर सोचो हम पर्सन आपस में नाम नहीं रखें तो कभी किसी के बारे में रेफरेंस देना हुआ तो उसके बारे में बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, अरे वो लंबे से हैं, ये है मतलब ऐसा फेयर कलर है, ये मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं, फिर भी आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर यही सोचिए, हमने डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हमने सिंबल नहीं दिया होता तो कभी किसी को रेफर करना होता या नोटेशन नहीं दिया होता तो उसको रेफर करना होता तो हमें कितना डिस्क्रिप्शन बोलना पड़ता। इसीलिए कह रहे हैं कि जो नोटेशंस हैं वो मैथमेटिक्स को प्रिसाइज और साथ साथ कॉन्साइज शॉर्ट बना देते हैं, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोटेशंस। तो इन नोटेशंस को समझना है इसलिए आज हम इतना टाइम दे रहे हैं इस पर। लेट अस अब इस नोटेशन को समझने के लिए हम अगले एग्जांपल की बात करें, और ये फंक्शन को आपको बहुत अच्छी तरह समझाएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फर्दर कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलस में आ गए हम, डिफरेंशिएशन नाम की कोई चीज सीखेंगे और उसमें अब आप वहां जाएंगे और पुराने अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि 11th क्लास में पूरी कैलकुलस में उन्हें सबसे कंफ्यूजिंग क्या लगेगा, क्या लगा था, तो बोलेंगे चैन रूल। अब वो चैन रूल कंफ्यूजिंग इस लगा था कि चैन रूल किस कंडीशन के लिए वो कंडीशन नहीं समझ पाए थे, एंड इस क्वेश्चन में वही कंडीशन है। तो व्हाट एवर आई एम डिस्कसिंग हियर, मैं यहां जो डिस्कस कर रहा हूं उनका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें हमें सीधे यूज होंगी, हमें आगे की मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज करनी है उनको समझने के लिए इन बातों की जरूरत है। अगर ये आपको बिल्कुल क्लियर है तो आगे बेसिकली हमारा पर्पस फंक्शन एंड ग्राफ लेने का है कि हम कैलकुलस जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की ब्रांच है फिजिक्स में यूज होती है उसको सीख पाए। और दिक्कत क्या है कि कैलकुलस आपके 12th क्लास में इंट्रोड्यूस होगी, मतलब समझ सकते हैं कैलकुलस मैथमेटिक्स का ऐसी सिंपल ब्रांच नहीं है कि 11th क्लास में पढ़ाई जा सकती होती, उसको 12th क्लास के रिजर्व रखा गया। लेकिन ऑलमोस्ट सारी कैलकुलस हमने 11th क्लास की फिजिक्स में पहले चैप्टर से यूज करनी होगी। तो कैलकुलस के सारे कंसेप्ट को समझना है, हाँ उतनी मैथमेटिकल डिटेल मैनिपुलेशंस नहीं होंगी जो आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे, बट कंसेप्ट सारे कैलकुलस के यूज होंगे। तो उन कंसेप्ट्स मतलब कैलकुलस को पूरी अच्छी तरह समझना होगा। तो वहां के लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट है दैट वी आर डिस्कसिंग बाय द दिस टुडे लेक्चर फंक्शन। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट ए फंक्शन मशीन। फंक्शन मशीन मीन्स ठीक है, एक बॉक्स में वो क्या फंक्शन करेगा वो बता दिया, मैथमेटिकल फंक्शन। दिस इज डायग्राम, व्हाट इज दैट, इनपुट एक्स एंड क्या इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डबल द इनपुट एंड एड थ्री। अब ये डिस्क्रिप्शन है वर्ड में, देन फिर क्या मिला, उस आउटपुट का हमने नाम दे दिया वाई, देन उसके बाद स्क्वायर रूट द। अब अगला फंक्शन क्या, जो भी हमें मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या हमें नेक्स्ट आउटपुट मिला, जेड। अब देखिए व्हाट इज आस्क्ड, इफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स, जेड इज इक्वल टू फंक्शन जी ऑफ वाई, एज वेल एज फंक्शन एच ऑफ एक्स,
डिफाइन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एंड एच ऑफ एक्स। अब समझ लें वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, मतलब वाई का सीधे एक्स से रिलेशन क्या है वो एफ ऑफ एक्स बताएगा। जेड इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, मतलब ये जी ऑफ वाई क्या बताएगा, जेड का इस वाई से क्या रिलेशन है, एज वेल एज एच ऑफ एक्स। जेड एच ऑफ एक्स इक्वल है, मतलब एच ऑफ एक्स क्या बताएगा, जेड का सीधे एक्स क्या रिलेशन है, बीच में वाई को नहीं लाना है। अब हमें एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एच ऑफ एक्स इन तीनों को एक्सप्लोर करना है। सॉल्यूशन अगर हमको पहला वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की लें, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स को हमने क्या किया, डबल एक्स इज इनपुट, डबल द इनपुट एक्स को डबल करें और थ्री एड कर दें तो फंक्शन मिल गया। सो व्हाट वी हैव, सी हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, एक्स इनपुट था डबल किया और थ्री एड किया, तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो गया पहला आंसर। व्हाट विल से जी ऑफ वाई, तो आप देखिए इसके हमें केवल जितनी जरूरत थी हम डायग्राम का उतना ही देख रहे हैं। अब जी ऑफ वाई मतलब जेड इज इक्वल जी ऑफ वाई, तो वाई से ये फंक्शन मशीन हमको देखनी थी, केवल उतना ही देखें ये। अब यहां के लिए इनपुट वेरिएबल वाई है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है। सो व्हाट वाज स्क्वायर रूट द इनपुट, तो अगर y का स्क्वायर रूट ले लें तो z के इक्वल होगा। सो व्हाट विल बी g ऑफ y, स्क्वायर रूट ऑफ y, तो g ऑफ y डिफाइन हुआ y के टर्म में। एंड अब हमें z जो है hx के भी इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं z इज इक्वल टू h ऑफ x। तो आप इन दोनों इक्वेशंस देखें तो g ऑफ y और h ऑफ x भी इक्वल होंगे। सो व्हाट वी कैन राइट फर्दर दिस, अब इसके लिए हमें पूरा का पूरा प्रोसेस देखना है। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, ये इन दोनों इक्वल कर दिया। अब हमें जेड को एक्स के टर्म मिलाना है तो ये वाई एलिमिनेट करना है, तो वाई को हम यहां से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां एफ ऑफ एक्स रख दें। सो व्हाट वी हैव, एच ऑफ एक्स इज इक्वल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वाई को हमने कहां से रिप्लेस किया, एफ ऑफ एक्स, ये रख दिया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दें, मतलब एफ मतलब एक्स पर क्या किया, एक्स पर हमने क्या किया, डबल द एक्स एंड एड थ्री, तो इसको टू एक्स प्लस थ्री रिप्लेस करते हैं। जी का मतलब क्या हुआ, जो भी अंदर है उसका स्क्वायर रूट ले लें, ये देखिए जी। सो व्हाट वी हैव, पहले तो हमने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया, अब जी का मतलब क्या है, जी किस मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो हियर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। नाउ इन दिस वे तीनों फंक्शन हमारे एक्सप्लोर हो गए। Now just see, that is very classical example, and ये example आपकी calculus में especially जो बात की chain rule उसको सबसे simple कर देगा। अब आज जो हमने बड़ी abstract बातें की हैं functions के notation की, और ऐसी abstract चीज़ों को सीखने के हम लोग इतने habitual नहीं हैं, तो मैं आज की talk यहीं ख़त्म करूँगा और आपको एक time दूँगा कि notation को समझें और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने बातें सीखी हैं उनमें कहीं कोई कंफ्यूजन कहीं कोई प्रैक्टिस की जरूरत हो तो उसको कर लें। तो असाइनमेंट क्या होगा आपका, रिवाइज द लेक्चर एंड कंसोलिडेट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शन। अब फंक्शन की बात क्या है, फंक्शन एक सिंपल नोटेशन है जो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिपेंड करेगा, को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो आइडियाज थे उनको कंसोलिडेट करें। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग, हम आगे की बात के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फंक्शन की बात को आगे बढ़ाएंगे, ग्राफ के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, गैलियो गैलीली।